दोस्तों सलमान खान इन दिनों अपनी प्रोडक्शन में बनी फिल्म नोटबुक के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। इस फिल्म में वह जहीर इकबाल और प्रनूतन बहल को लॉन्च करने जा रहे हैं। हाल ही में सलमान खान ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान सलमान से नोटबुक के विदेशी फिल्म द टीचर्स डायरी से कनेक्शन के बारे में पूछा गया, जिस पर सलमान ने कहा, टीचर्स डायरी क्या है? हमारी फिल्म उससे ज़्यादा अच्छी है। हमने इस फिल्म पर बहुत काम किया। हमारी फिल्म का प्लॉट लगभग समान है, लेकिन हम थाई फिल्म हिंदी में नहीं बना रहे हैं। फिल्म में लव स्टोरी और बैकड्रॉप बिल्कुल अलग है। हमारी फिल्म कश्मीर पर बेस्ड है। वहीं वेब सीरीज़ को सवाल पर सलमान खान ने कहा कि वेब सीरीज़ अच्छी है, लेकिन वह थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मुझे वेब पर चलने वाली बकवास चीज़ें पसंद नहीं। मुझे भी हाल ही में वेब के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि वेब सीरीज़ को हाँ कर दूँ। मैं भी वेब के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन उसके लिए सब कुछ मैं अपने हिसाब से चुनूँगा। लेकिन हम आपके हैं कौन टाइप, वो सारी चीज़ें होंगी। बता दें कि हाल ही में घोषणा हुई है कि अक्षय कुमार जल्द ही द एंड वेब सीरीज़ में नज़र आएंगे। चर्चा है कि अक्षय ने इस सीरीज़ के लिए करीब 90 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। वहीं सलमान खान ने स्क्रिप्ट में अपने इनपुट देने के बारे में बताया। वहीं देखना दिलचस्प रहेगा कि सलमान खान ने कहीं ये अक्षय कुमार पे टॉन्ट तो नहीं कस दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सलमान खान के कहने का मतलब क्या था? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।